इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जी। आपको बता दें कि हैदराबाद गैंग रेप में जो चारों आरोपी थे उनका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। आपको बता दें कि घटना के अगले दिन ही पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही थी। इसी के तहत जो पुलिस थी मौका वारदात पे घटनाक्रम का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए चारों आरोपियों को ले गई थी, जहां कि चारों आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हुआ और जिसमें कि चारों आरोपी मारे गए। आपको बता दें कि इस पूरे केस को जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे साहिबाबाद पुलिस के कमिश्नर डॉक्टर विजय सज्जनार। आपको बता दें कि सज्जनार को एनकाउंटर मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जो रिकॉर्ड है एनकाउंटर करने के मामले में वो पहले से ही काफ़ी अच्छा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2008 में घटना हुई थी जिसमें कि तेलंगाना के वारंगल में एक कॉलेज गर्ल के ऊपर तेजाब छिड़का गया था। इस मामले में भी तीन आरोपियों को उन्होंने पकड़ा था और इसके बाद उन्होंने इन तीनों आरोपियों का इसी तरह से काउंटर किया था। आपको बता दें कि इसको लेके सोशल मीडिया पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि हो सकता है पुलिस ने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया हो, लेकिन आपको बता दें कि कोई फर्क नहीं पड़ता पुलिस ने ये जानबूझ के किया हो या फिर अपराधी की गलती रही हो। इस तरह की घटना में अगर अपराधियों के साथ ऐसी सलूक होता भी है तो कहीं गलत नहीं है। तो आप लोग को बता दें कि काफ़ी अच्छी खबर है ये, और इस खबर को लेकर जो निर्भया की माँ है उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने भी कहा है कि जो आरोपी थे उनको इसी तरह से किया जाना चाहिए जिससे कि जो आरोपित होते हैं उनको सही सही न्याय मिले। आपको बता दें कि विक्टिम को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है और निर्भया के माँ जो है न्याय का इंतज़ार पिछले 7 सालों से कर रही हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।